उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में लूट की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी गत दिनों हुई एटीएम लूट का खुलासा मुरादाबाद पुलिस कर भी नहीं पाई थी कि एक और लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। शहर की पॉश कॉलोनी में हुई डिलीवरी बॉय के साथ लूट की वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस को जैसे ही लूट की सूचना मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्षेत्र में लगी सीसीटीवी फुटेज तलाशने लगी, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बदमाश फरार है। दरअसल थाना सिविल लाइन क्षेत्र में गत दिनों एटीएम की लूट का खुलासा अभी तक पुलिस नहीं कर पाई थी कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र में ही एक और लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। बदमाशों ने इस बार कोरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय को अपना निशाना बनाया और उससे डिलीवरी का माल लूट कर फरार हो गए। इस बार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देने का तरीका भी अनोखा अपनाया। उन्होंने पहले डिलीवरी बॉय को डिलीवरी देने के नाम पर सुनसान एरिया में बुलाया और फिर उससे महंगे मोबाइल और अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज भी तलाश रही है, लेकिन अभी भी पुलिस की पकड़ से आरोपी फरार है। पीड़ित के मुताबिक लगभग 80,000 रुपए के माल को लूट कर लुटेरे फरार हो गए। गगन कुमार सक्सेना, सर फ्लिपकार्ट से मैं कोरियर था, एक ऑनलाइन शॉपिंग का जो सामान आता है वो मैं लेकर आया था। हर्ष भटनागर के नाम से पैकेट था उसका। मैं पहले मुझे तो बोला वो दैनिक जागरण के गेट पे आकर मैं पेमेंट कर दूंगा। 48,000 रुपये का उसका मोबाइल था शिपमेंट। मैं वहाँ पर वेट करने के लिए उन्होंने मेरे को बोला, मैं वहाँ पर वेट करता रहा। 5-10 मिनट खड़ा होने के बाद मुझसे बोला यूँ मेरी लोकेशन पे आओ। मैंने कि अपनी लोकेशन बताओ कहाँ पर आना। मैंने कि MIT गेस्ट हाउस की तरफ को आना। बोला हाँ MIT गेस्ट हाउस की तरफ को आओ। मैं वहाँ से जैसे चला वहाँ पर अंदर आके लगभग 200 मीटर की दूरी पर आके टी पॉइंट पे मेरे को पहले बाइक से टक्कर मारी। जब मेरी बाइक गिर गई मेरी गाड़ी में चाबी निकाली झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद में चाबी मुझे मारा पीटा। उसके बाद में चाबी उठाने के लिए जब गया तो मेरा बैग उठा के भाग गए। बैग में 8 शिपमेंट करीब थी, जिसमें 48,000 का एक मोबाइल था, एक मोबाइल 6,000 कुछ 7,000 का था और उसमें प्रीपेड शिपमेंट वगैरह थी। उसमें समथिंग बहुत ही करीब 7-8 लोग थे। हाँ बाइक से थे, उनका पीछा करा सर मैंने। बाइक मेरी गिरी पड़ी थी, चाबी मिल नहीं रही थी। पैदल भागा उनके पीछे, पत्थर भी मारा उनकी पत्थर भी मारा, उसकी बैक लाइट फूट गई गाड़ी की। उसके बाद वो अंदर दैनिक जागरण के पीछे जो रास्ता गंदा रास्ता जो है कूड़ा वाला, उस गली में को भागे अंदर को दो लड़के बाइक से, बाकी दो इधर उधर भाग गए। टोटल लगभग 5-6 लड़के थे करीब सर। समथिंग होगी कम से कम 48 का तो एक ही मोबाइल 48 का है, 6-7 हज़ार का वो है, 8 शिपमेंट है उसमें, समथिंग 80,000 के आसपास का मामला। 80,000 की लूट हुई है सर। कैश उन्होंने छीना नहीं मेरा, कैश मेरे पास पूरा रखा था मुझे, मतलब कैश पे हाथ नहीं डाला, मेरे जेब में हाथ नहीं डाला उन्होंने, सिर्फ बैग उठा के लेके भाग गए एकदम से। ये गगन कुमार सक्सेना है, इनका काम जो कुरियर के थ्रू जो डिलीवरी की जाती है वो देने गए थे आज। तो जो दैनिक जागरण प्रेस है उस चौराहे के पास रामगंगा विहार में कुछ 3 लोग थे, वो बाइक पे आए, इनकी बाइक पे टक्कर मारी उन्होंने, और इनके पास जो बैग था जिसमें इन्होंने ये बताया कि उसमें 2 मोबाइल थे, वो इनसे छीन के वो ले गए हैं। अभी इसमें हम जो मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो उसके द्वारा बताई गई आइडेंटिफिकेशंस हैं उनको हम देख रहे हैं, जैसे ही लोग वो आइडेंटिफाई होंगे हम जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे। अभी जो उन्होंने एप्लीकेशन दी है उसमें उन्होंने यही बताया कि बाइक पे सवार थे 3 लोग आए थे, उन्होंने उसकी बाइक में आगे टक्कर मारी और उनसे उनका वो बैग छीन के भाग गए हैं। बाकी जैसे फैक्ट्स सामने आएंगे हम उसके बेसिस पे कार्रवाई करेंगे।